क्या कहूँ क्या दुविधा है। वो शाम की क्या बात थी, हर जर्रे जर्रे में तेरे होने की मुराद थी। छू तो लिया था इस जिस्म को मेरे तूने, अब ये मदहोश रूह भी मेरी पाक थी। दफतन सोच कर वो लम्हा मुस्कुरा सी जाती हूँ, ये जो बांध रखी थी जुल्फे मैंने, बेबाक हवाओं में खोल चली आती हूँ। अगर लफ्ज बया कर पाते ये एहसास मेरे, तो लाखों पुलिंदे भी मैं लिख आती, तोड़ कर सारे बंधन में तेरी ओर चली आती। छूकर मेरे गालों को मेरी गर्दन पर जो चूमा है, ये दाग इश्क का छोड़ कर मेरी सांसों को मुझसे छीना है। क्या कहूँ क्या दुविधा है। अकेले चल रही थी मैं उस सुनसान रास्ते पर कि तभी अचानक एक आवाज़ आई, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। वो डटा रहा, कहने लगा, इतनी रात गए इस सुनसान सड़क पर क्या कर रहे हो आप। मैंने फिर कहा, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, तो प्लीज़ जाइए आप। वो गाड़ी से उतरकर चलने लगा और कहने लगा कि आप अगर चाहें तो मैं आपको कहीं छोड़ दूं। इतनी रात में सुनसान सड़क पर अकेले चलना ठीक नहीं, शायद घर वाले परेशान हो रहे हो आपके। परेशान? वो क्यों होंगे परेशान, ऐसा किया क्या है मैंने? मैं तो अपनी ही जिंदगी से परेशान हो गई हूँ। ये कंजर्वेटिव फैमिली, ये हिपोक्रेटिक सोसाइटी, ये रिलेशनशिप, तंग आ गई हूँ मैं इन सब से। उन सबको सवाल चाहिए और उन सवालों का जवाब चाहिए, पर उन जवाबों का क्या जो ये सुनना नहीं चाहते। इन सबको बस समाज, इज्जत इन सब की ही पड़ी है, ब्लडी पेट्रियार्की। आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, जस्ट आई हेट इट। ये सुनकर उसने कहा, शायद आवाज थोड़ा धीमा हो गया हो, तो अगली बार देना तो थोड़ा जोर से देना, अगर जवाब ना भी सुनना चाहे तो भी आवाज जरूर पहुंच जाएगी। बट उनकी ये छोटी सोच का क्या, ये इंट्रोवर्ट थिंकिंग, यहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, वहाँ मत खाओ, तंग आ गई हूँ मैं इन चीजों से। उनका बस चले तो ये बस कहे कि तुमने अब बहुत जी लिया, बस अब जीना ही छोड़ दो। शायद सोच नहीं समझ से कच्चे हैं, वो आशिक नहीं पर पिता बड़े अच्छे हैं। ये कहकर वो मेरे साथ चलने लगा। आउच! पहले ही इतना सब कुछ भारीपन है, सर फटा जा रहा है मेरा और ऊपर से ये चोट। उसने कहा, यहाँ सामने में एक नींबू पानी वाला है, इफ यू डोंट माइंड कैन वी गो देयर, मैं आपको छोड़ दूंगा वहां तक। उसने नींबू पानी वाले से एक नींबू पानी देने को कहा और बोला, ये जिंदगी भी नींबू पानी जैसी है, इसमें मिठास भी है और खटास भी है। बाप के सामने बैठने की तमीज नहीं है तुम्हें, हर वक्त मोबाइल में घुसी रहती हो, कभी घर के काम भी कर लिया करो, ऐसी नालायक औलाद से तो ना औलाद होना बेहतर है। शायद खटास थोड़ी ज्यादा थी, माहौल गर्म था और मैं भी। तभी अचानक उसे एक फोन आया और वो फोन पर बात करने लगा। मैंने उससे पूछा, यू हैव अ गर्लफ्रेंड, दैट्स सो कूल। उसने कहा, या समवन स्पेशल। ये कहते ही उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। उसने कहा वो मुझे वहाँ तक छोड़ देगा। हम दोनों गाड़ी पर बैठकर निकल पड़े। वहाँ पहुँचते ही उसने कहा, यू जस्ट वेट हियर, लेट मी ब्रिंग माई पार्टनर।
जब वो लौटा तो नजारा ही कुछ और था। मुझे अपने प्यार से मिलवाकर कहने लगा, मीट माई लव अंश। वो देखकर मैं हैरान तो थी पर दिल में एक अलग सी खुशी भी थी। वो जाते जाते कहने लगा, जस्ट रिमेम्बर व्हाट आई सेड अर्लियर, ओके, एंड नॉट द अदर वे अराउंड, सी या, बाय। उस सुबह की पहली सुनहरी धूप से ये तो समझ आया कि रास्ते चाहे जैसे भी हो, मंजिल हमेशा हसीन ही होती है।